बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गणेश रामलीला मैदान के ग्राउंड पर यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भदौरिया के बैनर तले एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठाकुर हाकिम सिंह भदौरिया हमारे बीच में है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा नजदीक आ जाए। और आज यहाँ पर उन्होंने नायब तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा है अश्विनी कुमार सिंह को। तो सर आज आपने जो आंदोलन किया है आज यहाँ महापंचायत की आपने तो किन समस्याओं को लेकर किया है? भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन द्वारा विभिन्न किसानों की समस्याओं को लेकर आज ये आंदोलन किया गया है। इसमें प्रथम मांग हमारी है कि गणेशपुर के अंदर बालक और बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज की स्थापना कराई जाए और दूसरी समस्या है हमारे संगठन से जो पदाधिकारी जुड़े हैं उनकी गाड़ियों का टोल टैक्स पूरे प्रदेश और पूरे भारत में। तीसरी समस्या हमारी है गणेशपुर मोड़ से गणेशपुर लकड़ मंडी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। चौथी समस्या है हमारी गणेशपुर तिराहे से गणेशपुर बंदर तक स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाए, उजाला की व्यवस्था की जाए। पांचवी समस्या हमारी है कि हाईवे के ऊपर यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाए और गोल चौराहा बनाया जाए, पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और हमारी समस्या है बड़नपुर डिपो में कच्ची अवैध तरीके से शराब बन रही है, उसको रोका जाए। और हमारे क्षेत्र के अंदर नामीपुर सरौली में पुल बन रहा है, उसमें शटर लगाया जाए ताकि पानी बाढ़ का इस पार ना आवे, उससे किसान काफी परेशान होते हैं, ये भी हमारी महत्वपूर्ण समस्या है। और हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए हमारे गणेशपुर लकड़ मंडी में जो काफी भीड़ रहती है यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और किसानों की जो किसान सम्मान निधि है उसमें जो 2,000 रुपए आना था वो लेखपाल लोग निजी स्वार्थ पूर्ति है अभी तक नहीं भेजे हैं, तत्काल प्रभाव से भेजा जाए। और जो पूर्ति निरीक्षक जिनके राशन कार्ड बनाए थे उनको पुनः कार्ड दिया है और अवैध तरीके से वसूली करके पुनः ऑनलाइन कराते हैं, ये भी समस्या महत्वपूर्ण है, इसी के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं। एक चीज अध्यक्ष जी रुकते हैं, अगर इन समस्याओं का निस्तारण जैसा कि नायब तहसीलदार ने भी आश्वासन दिया है कि निस्तारण होगा, अगर नहीं करते तो भविष्य में फिर क्या होगा? अगर नहीं करते भविष्य में तो हम 20 साल हमको हो गया किसान यूनियन में टिकैत जी से जुड़ा था, हम निस्तारण कराने का ढंग बहुत अच्छा जानते हैं और 5 मिनट में निस्तारण करा लेंगे, ये भी हमारे यानी कि आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलन तेज नहीं करेंगे, उसमें तेज में सभी को ला करके बांध देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ये तहसील प्रशासन जो है और डीएम एसडीएम है यही हमारा काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लॉन्च कर रही है और ये दबा करके भ्रष्टाचार करते हुए निजी स्वार्थ पूर्ति करते हुए और उसमें मोटी रकम कमाने का कार्य कर रहे हैं और इनको हम लोग दंडित कराने का भी कार्य करेंगे। धन्यवाद। देखिए अभी आपके बीच में कैमरामैन पीछे जाए, जब यहाँ पर देखिए आपके बीच में जो भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ठाकुर हाकिम सिंह भदौरिया जी ने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में किया गया तो यह बर्दाश्त नहीं होगा और भारतीय किसान यूनियन भदौरिया आगे चलकर एक विशाल आंदोलन करेगा और किसानों के हित के काम के लिए करने के लिए सदैव तत्पर है। न्यूज न्यू इंडिया से किसान यूनियन भदौरिया अभी लड़ाई है, अभी लड़ाई है। किसान यूनियन भदौरिया किसान यूनियन भदौरिया किसान यूनियन किसान यूनियन किसान एकता किसान एकता।
इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत सारे बंधन अभिनंदन है। मैं बार बार इनको प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी समस्या हमारे किसान संबंधी है उसको हमसे पहले हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्रीराम जी गुप्ता जी ने विधि पूर्वक सभी किसानों को अपने सही तरीके से अवगत करा दिया है। बाकी जो समस्या है उसको हमने एसडीएम या प्रशासनिक कोई अधिकारी तहसील से आएगा उसको आपके बारे में मुख्य रूप से जितनी भी समस्या है अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद एक एक बिंदु पर काम कराने का काम मेरा संगठन करेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। काम हमारे किसानों का काम सही समय से करता है तो उसका सम्मान करेंगे, अन्यथा उससे लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन भदौरिया तैयार है। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ हमारे तहसील के अधिकारी कर्मचारी नहीं देते हैं उनके लिए लड़ाई किसानों के साथ में मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी मिलकर के एकजुट होकर के हर एक घर से एक व्यक्ति निकलकर हमारे संगठन में जुड़ने का काम अगर करेंगे मैं वादा करता हूं पूरे भारत देश के अंदर भारतीय किसान यूनियन संगठन